हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्पेशल वीडियो। सो गाइस, मैं हूं मौसम भरद्वाज और आई एम एन आर्टिस्ट। तो आप लोग जानते होंगे कि मैं इस चैनल पर आर्ट और पेंटिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। तो बहुत टाइम हो गया कि मैं यहां पे कुछ वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, और वो टॉपिक ये है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर के पैशन को किस तरीके से समझ सकते हैं और उसको किस तरीके से अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पैशन को समझना, टैलेंट को समझना ये बहुत ही इजी है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना उतना इजी नहीं है। ओके, तो देखिए तीन तरीका है जिससे आपके अंदर में क्या प्रतिभा है उसको आप समझ पाओगे। तो पहला मैं तरीका बताता हूँ कि समझिए, दो तरीका होते हैं इनकम के, जैसे कि जॉब हो गया, बिजनेस हो गया। तो वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। लाइक जॉब इसलिए करते हैं कि जॉब से भी पैसा मिलता है, बिजनेस इसलिए करते हैं कि बिजनेस से भी पैसा मिलता है। अब कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिससे पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसके बिना आप रह नहीं सकते। लाइक कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको सिंगिंग में बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग करना। ओके, लेकिन सिंगिंग से उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो डेली लाइफ में डेली वो सिंगिंग कर रहा है। तो ये जो अपने अंदर में कुछ करने की फूक है, ओके, तो आप ध्यान से समझो, अपने अंदर में वो साहत है कि कुछ करने की, लेकिन उससे कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा हो, फिर भी वो कर रहा है, तो उसी को हम लोग पैशन बोलते हैं। मतलब वो सिंगिंग के लिए पैशनेट है। अगर कोई ऐसे आर्ट बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, हालांकि उसको कुछ पैसा मिल रहा हो या फिर नहीं मिल रहा हो, फिर भी अगर वो पेंटिंग बना रहा है, आर्ट बना रहा है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ही इज पैशनेट अबाउट पेंटिंग। तो इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर में जो प्रतिभा है वो है पेंटिंग करने का। तो प्रतिभा इसी को कहते हैं जिसके, मतलब जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिस काम के बिना आप रह नहीं सकते, चाहे वो उससे पैसा मिल रहा हो या फिर नहीं मिल रहा हो, पैसा डजंट मैटर। तो ये बात सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। और ये कैसे समझोगे, इसको समझने का एक बहुत ही बेहतर तरीका मैं बताता हूँ, शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आप कहीं घूमने जाओ, ट्रैवलिंग करने जाओ, लेकिन अपने पास में, ओके, अपने पास में जो मोबाइल होंगे ना, उसके इंटरनेट सिस्टम को ऑफ कर, मतलब ऑफ रखिएगा। क्योंकि हालांकि ऐसा होता है कि जो लोग मोबाइल लेके कहीं घूमने चले गए या फिर कहीं भी ट्रैवलिंग चले गए, तो ट्रैवलिंग में जाने के बाद वो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। तो आपको अपने मोबाइल को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। और जब आप लोग अपने मोबाइल को अवॉइड करोगे और ट्रैवलिंग के दौरान आप नेचुरल सीनरी को देखोगे, नेचुरल ब्यूटी को देखोगे, तो आपके अंदर में कुछ थॉट्स आएगा, कुछ इमेजिनेशंस आएंगे, और उनके बेसिस पर आपको रियलाइज़ होगा कि अपने लाइफ में आपको किस की, मतलब किन किन चीज़ों से आपको खुशी मिली। जिन चीज़ों के बारे में आपका रियलाइज होगा, आपका इमेजिनेशन में कुछ 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 आएंगे, क्या आएंगे वो कोई भी ऐसे डायरेक्टली समझा नहीं पाएगा। ओके, लेकिन आपको एक्सपीरियंस करना, जहाँ पे भी ट्रैवलिंग पे जाओ एक्सपीरियंस करना, बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल सीनरी देखिए तो एक्सपीरियंस करना। और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको उसके ऊपर कुछ लिखना है। अगर आपका ये इमेजिनेशन में कुछ ऐसा आता है कि मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ या फिर लिखने का कुछ मन हो गया, तो आप लिखिए। लिखने से आपको खुशी मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपके अंदर में जो प्रतिभा है वो लिखने का है। वहीं पर कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि उस सीनरी को ऐसे पेंट करे, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं उसको पेंट कर दूँ, तो हो सकता है कि उसके अंदर पेंटिंग की प्रतिभा हो, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसके टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा। अब देखिए, जब आप लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा कि अपने अंदर क्या प्रतिभा है, तो उसको आपको यूटिलाइज कैसे करोगे, बड़े ही सिंपल है कि आप कुछ भी ऐसे अनाप शनाप की बातें जब आप करते हो या फिर लोगों, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, हालांकि वो अच्छी बात है, लेकिन उसे कुछ टाइम कामों के लिए भी आप निकालें। लाइक अगर आप कहीं पर घूमने चले गए, तो अपने पास में कुछ थोड़ा सा एक बुक रख लिया और कुछ ऐसे कॉपी वगैरह रख लिया, वहाँ पे वो पेंटिंग बना, क्योंकि आपको पेंटिंग के बारे में आपका प्रतिभा है। मान लेते हैं कि आपका सिंगिंग के ऊपर आपका प्रतिभा है, तो अगर आप कहीं घूमने चले गए या फिर कहीं भी हो आप, ऐसे ही आप गाना गया, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी टाइम में अपने अंदर के टैलेंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस बात को आप अच्छी तरीके से अपने डेली लाइफ में आपको ट्राई करना है, और रोज़ आपको ये बात
मतलब ये आपको रोज ट्राई करना है, ट्राई करते रहें और अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको यूटिलाइज करते रहें। धन्यवाद।